आई एम जे बाबू, लोग उन्हें प्यार से बाबू अंकल कहकर बुलाते थे। वे आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे। आई एम जे बाबू का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के वेटपालम नामक एक छोटे से शहर में एक लसी परिवार में हुआ था। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में अपना जीवन खून के हाथों में सौंप कर उद्धार के अनुभव में आए थे। परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वे उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक शहर में पहुंचे। उनका दाखिला मेरठ यूनिवर्सिटी में हुआ था। पढ़ाई के दौरान प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संगति में पढ़ रहे थे और जब कभी उन्हें मौका मिलता तो प्रभु की सेवा में भी शामिल हो जाते। एक दिन परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 45 अध्याय और 5 पद के वचन के आधारित परमेश्वर ने उनसे बातें किया और अपनी सेवकाई में बुलाया। हालांकि उनके घर वालों की यह इच्छा थी कि भाई एमजे बाबू अच्छी पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बने, और भाई एमजे बाबू लगभग अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए थे। आईएएस में उनका चुनाव और ट्रेनिंग के लिए बुलावा भी आ गया था, पर तब परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवा के लिए बुला लिया। परमेश्वर की बुलाहट अनुसार उन्होंने अपने करियर को ढूंढा कर परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। 1982 में वे बैक टू द बाइबल मिनिस्ट्री की सेवकाई में जुड़ गए, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा का प्रचार रेडियो के माध्यम से करने में पूरी दुनिया में जाना जाता है। पर कुछ समय के पश्चात भाई टी ए अलेक्जेंडर के द्वारा दिल्ली की कलिशाओं में उनका परिचय हुआ और उन्हीं के प्रेरणा और प्रोत्साहन से वे दिल्ली प्रांत की कलिशा के संगति करते हुए उनके मध्य परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होने लगे। 1985 में उनका विवाह बहन रेबेका से हुआ। वे अपने परिवार संग सेवा में उपयोग होने लगे। बेथेल असेंबली उनके समर्पण और सेवा कार्य को देखकर उनको प्रभु की सेवा के लिए अनुमोदन किया। 1997 में उन्होंने दिल्ली के मयूर विहार में कलिशिया स्थापना के कार्य को आरंभ किया और करीब 7 विश्वासी जन मिलकर पहली बार प्रभु के मेज में भाग लिए, जो आज की तारीख में यह कलिशिया करीब 60 से भी ज्यादा विश्वासियों की झुंड में तब्दील हो गया है। परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करना और वचन को ठीक ठीक रीति से प्रचार करने में परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया था। दिल्ली एवं एनसीआर कैंप में रहने वाले सभी राज्य के विश्वासों के प्रति उनके मन में काफी बड़ा बोझ था और उन्होंने कई बार दिल्ली एनसीआर कैंप के विश्वासों के लिए दिल्ली में सम्मेलनों का आयोजन किया। वे किसी भी सम्मेलन के आयोजन करने में एक अच्छे प्रबंधक थे। इस तरह उनकी अगुवाई में दिल्ली प्रांत में कई सम्मेलनों का आयोजन किया गया। भाई एमजे बाबू प्रभु की सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, और जहां कहीं परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया इस सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक आइटिनरी प्रीचर के तौर पर बड़े बड़े सम्मेलनों में प्रभु ने उनका उपयोग किया। वे हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में प्रभु के वचन का प्रचार बड़े सरल और स्पष्ट रीति से प्रचार करने में माहिर थे। चाहे गांव हो या शहर, चाहे छोटी सभा हो या बड़ा सम्मेलन, परमेश्वर उन्हें जहां कहीं मौका देता विवेक हिचक प्रभु के उस कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आंध्र प्रदेश सेवा के लिए उत्तर भारत आए हुए करीब 25 से ज्यादा सेवकों को उन्होंने प्रोत्साहन किया और उनको सेवा में मदद की। उनके प्रोत्साहन के बदौलत आंध्र से आए हुए प्रभु के दासगण भारत के अलग अलग प्रांतों में रहकर प्रभु की एक फलवंत सेवा कार्य में अग्रसर है। परमेश्वर ने उन्हें 2 संतान दिए, बेटा मार्क साइलस और बेटी सुनीति।
परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने दोनों का विवाह करने में उनकी मदद की। वे अपने पत्नी और बेटे और उनके परिवार समेत दिल्ली के मयूर विहार में एक किराए के मकान में रहते हैं। वे आत्मिक रूप से तो बलवंत थे, परंतु शारीरिक रूप से काफी दुर्बल थे। सन 2000 में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई और उनकी आंखों के रेटिना में कुछ समस्या आने के कारण वे काफी समय तक ठीक रीति से देख नहीं पा रहे थे। फिर कुछ दिनों के पश्चात उनकी आंखों की रोशनी में कुछ सुधार आया। साल 2000 में उनको हार्ट की शिकायत आई और वे कोमा में चले गए। ऐसा लग रहा था शायद उनका बचना मुश्किल है, परंतु परमेश्वर की योजना उनके जीवन के विषय में कुछ और ही थी। उसने उन्हें मौत के मुंह से बचाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उनकी बीमारी के कारण वे चलने में असमर्थ थे, फिर भी घर में बैठे रहना उनको अच्छा नहीं लगता था। जहां कहीं उन्हें मौका मिलता, प्रभु के वचन को पहुंचाने अपने घुटनों के दर्द के समय पहुंच जाया करते थे। उनकी सेहत इस कदर कमजोर हो गई थी कि उन्हें स्टेरॉइड लेना पड़ता था, और इस महामारी काल में अप्रैल दिनांक 30 को पता चला कि वे कोविड से संक्रमित हैं, और कुछ दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट में रहकर घर में ही उनका इलाज होता रहा क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था। उस दिन के पश्चात उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। उनकी अवस्था दिन ब दिन बदतर होने लगी। 5 मई रात 1:30 बजे परमेश्वर ने उसके पास बुला लिया, परंतु मरने से पहले भी वे घबराए हुए नहीं थे। उनको पता था कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी थी उसे उन्होंने विश्वासयोग्यता से पूरा किया है। बेड में पड़े पड़े उन्होंने अंतिम प्रार्थना कुछ इस तरह से किया। कार्य में विश्वास की बने रहे और आज प्रभु के राज्य में उस मुकुट को पाने के हकदार साबित हुए हैं। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणादायक साबित हुआ है। एक दुर्बल परंतु समर्पित इंसान के द्वारा परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है, हमने उनके जीवन के द्वारा जाना है। आइए उनके जीवन के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें।